पूछे जाते हैं सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो क्लॉक में ज्यादातर सब लोग कर लेते हैं, और वो होते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा क्लॉक में, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन। तो क्या होता है भाई, इसमें कुछ मत करना आप, इसको 11:60 में से घटा देना। ये घंटा है, ये मिनट है, घंटे में से घंटे, मिनट में से मिनट घटा देना, आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 60 में से 15 घटाओगे तो 45 आएगा, और 11 में से अगर 3 घटाओगे तो 8 आएगा। आंसर क्या आ गया, 8:45। तो दर्पण वाले सवालों में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है यहाँ पे 11 और 60 में से घटा देना। अब कुछ लोग सोचेंगे मैम अगर समय 12 वाला आ जाएगा तो 11 में से कैसे घटाएंगे, तो 24 घंटे के एक घंटे, जैसे हमने इसको 12 लिया है ना, 12 में एक कम किया है, तो 24 घंटे में एक कम कर देना, 23 लिख लेना यहाँ पर, बस इतना कर देना, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहाँ देखते हैं। एक दर्पण में देखने से पता चला कि एनालॉग घड़ी यानी कि सुइयों वाली में 1:30 का समय हो रहा है, तो बताओ सही समय क्या होगा। चाहे दर्पण से सही पूछे या सही से दर्पण, आपको कितना भी घुमा दे, आपको कुछ नहीं करना, उसको बस 11:60 में से घटाना है। कितना, 1:30। अगर 1:30 है तो कितना हो जाएगा, 60 में से 30 गए 30 बचे, और 11 में से 1 गए 10 बचे, आंसर हो जाएगा 10:30, खत्म बात। तो क्या इस सवाल को बिना कॉपी पेन के नहीं कर सकते, 11:60 माइंड में नहीं घटा सकते हो, 11:60 मतलब इधर गया 1 10 बचा, इधर गया 60 में से 30 30 बचा, तो फर्स्ट टाइप आपका कवर हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एंगल फाइंड करना कोण। अच्छा इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद करते हैं। अब फॉर्मूले से वो क्या करते हैं, ये काफी देर में निकाल पाते हैं, मतलब कैलकुलेशन पूरी करना। ये मैं आपको बहुत इजी सा तरीका बताती हूँ, बस थोड़ा समझना, आप बिना कॉपी पेन के मेरी गारंटी कर दोगे। कैसे, आपको बोला गया 8:30 पे क्या कोण होगा, मैं आपको बताती हूँ माइंड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लॉक के बारे में बता देती हूँ। हम जानते हैं दो अंकों के बीच में क्लॉक में 30 डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का सब जानते हैं ना, 30 डिग्री अगले 1 से 2 में 30, ऐसे 30 डिग्री का होता है। तो अगर 8:30 बज रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक सुई को, घंटा तो 8 वाला हो रहा है और 30 का मतलब क्या होता है 6, एक सुई 8 पे और एक सुई 6 पे, और अगर दोनों सुइयां 8 और 6 पे हैं तो दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 अंकों का, तो 2 अंकों में कुल कोण कितना होगा 60 डिग्री, और मिनट का आधा कर दो, बस मिनट का आधा कर दो इसको, और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। देखो या तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, अगर इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं, इसको प्लस कर दो, आंसर आ गया 75, आंसर आ गया 75। क्या बिना कॉपी पेन के नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो आपने देखा 8:30 हो रहे हैं, एक सुई 8 पे एक सुई 6 पे, तो दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण हुआ, तो 30 में से आप क्या करोगे, या तो प्लस करोगे माइनस, जब घंटे वाली सुई आगे हो तो प्लस करना, पीछे हो तो माइनस करना, घंटे वाली सुई पीछे हो तो माइनस, आगे हो तो प्लस, बस इतनी बात ध्यान रखना मिनट वाली से, ठीक है। तो इसको हो जाएगा ये विदाउट कॉपी पेन, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में सॉल्व करोगे ना ऐसे 5 सवाल कर दोगे विदाउट कॉपी पेन। क्या बताया मैंने, दोनों सुइयों को देख लो कौन कौन से अंक पर है, और एक अंक का कोण 30 डिग्री होता है, तो 2 अंक में कितना होगा 60 डिग्री, और मिनट का आधा घटा दो या बढ़ा दो, घंटे वाली आगे हो तो बढ़ा दो, घंटे वाली पीछे हो तो घटा दो, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिना कॉपी पेन के, मैं पेन छोड़ रही हूँ आप भी सोचो। एक सुई 4 पे, एक सुई 30 पे, यानी 30 का मतलब हो गया 6 पर, अब 4 और 6 के बीच में कितना कोण होगा 60 डिग्री, 30 30 4 से 5 5 से 6 60 डिग्री, और मिनट का आधा कितना है 15, अब 60 में 15 घटाना है कि बढ़ाना है, मिनट वाली सुई वो घंटे वाली पीछे है मिनट वाली से, माइनस करना है माइनस कर दो, और वैसे भी 75 का ऑप्शन ही नहीं है, कभी कभी जब ऑप्शन होगा तभी तो कंफ्यूज करेगा, प्लस माइनस जब है ही नहीं ऑप्शन तो कोई बात ही नहीं है। हो गई बात, समझ में आ गई मेरी बात। इसके अलावा आपको बिना कॉपी पेन के ही ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखो मैंने कोई कैलकुलेशन की, कुछ भी नहीं की, क्या किया तुरंत 4:30 का मतलब हो गया एक सुई 4 पे एक सुई 6 पे, कुल कोण कितना हो गया 30 और 30 60 का, और मिनट का आधा कितना हो गया 15, बस अब घटाओगे या बढ़ाओगे, बढ़ाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, घटा दो बात खत्म, ठीक है हो गया। बस ये दूसरा टाइप हो गया, एक दर्पण वाला हो गया और दूसरा टाइप क्या हो गया, ये एंगल वाला। मैं आपको तीसरा टाइप बताती हूँ, थर्ड टाइप बताती हूँ, थर्ड टाइप। बच्चों ये सही बटे में लिखा हुआ है, ये हमारा टाइपिस्ट थोड़ा नादान है,
32 सही 8 बटे 11, 24 सही वो 34 सही 8 बटे 11, 30 सही 8 बटे 11, 32 सही 5 बटे 7, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर कभी ऐसा जिंदगी में ऑप्शन आ जाए ये सही बटे वाला, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो कभी सवाल ही नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो सही बटे वाले सवाल होते हैं ना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ, गारंटेड काम करती है ये। जब अगर 32 है ना, तो जब भी सही बटे में आप लिखोगे, जैसे एक होता है 5 सही 5 बटे 11, एक होता है 10 सही 10 बटे 11, आप एक बात को नोटिस करना, एक होता है अगर आप 15 का गुणा करोगे तो 16 सही 4 बटे 11, इन दोनों का मिला के अगले में जीरो आना चाहिए। जैसे 16 और 4 20, 10 और 10 20, 5 और 5 10, तो यहां पर देखना 32 और 8 40, बाकी सब में किसी में जीरो नहीं हो रहा, आंसर यही हो जाएगा, बात खत्म। अब पहले क्या बात थी ये, पहले पढ़ लेते हैं सवाल। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना होगा तो मैं कुछ और करूंगी नहीं, आंसर ऐसे ही कर दूंगी, ठीक है। तो जब भी सही बटे वाले सवाल आएंगे तो इन दोनों का योग हमेशा लास्ट में जीरो का होता है, ये पक्की बात है 100%, किसी का भी गुणा कर दो। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके रामबाण साबित होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने देखा 32 8 यानी कि सही बटे में लिखा हुआ है 32 सही 8 बटे 11, तो 32 और 8 40, आंसर यही होगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा जीरो होना चाहिए लास्ट में, बात खत्म इतना। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या पूछा गया है, इसको विदाउट फॉर्मूले करो, आप लोग वो फॉर्मूला करते हो ना एंगल वाला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा गया 6 और 7 बजे के बीच किस समय सुइयां एक साथ होंगी। एक फॉर्मूला मेरा छोटा सा याद रखना, जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि इस समय के बीच में सुइयां कब विपरीत होंगी, कब साथ में होंगी, कब 15 मिनट आगे होंगी, कब 15 मिनट पीछे होंगी, कुछ भी पूछा जाए, कब 90 डिग्री पे होंगी, कब 180 डिग्री पे, कुछ भी, आप क्या करना, बस ये फॉर्मूला याद रखो 12 बटे 11 गुणा। इसमें हमेशा जहां भी मिनट वाली सुई होगी, जिस मिनट पे होगी उसका गुणा कर देना। जैसे एक बात बताओ, 6 से 7 बजे इसका कोई मतलब नहीं होता, 6 से 7 बजे के बीच का मतलब है 6 वाला समय, तो अगर घंटा 6 हो रहा है तो मिनट वाली को 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए, उसके ऊपर आने के लिए कहां आना पड़ेगा, 0 पे, 6 पे आना पड़ेगा। 0 डिग्री का कोण का मतलब है जो भी घंटा हो रहा हो मिनट वाली को वही रख दो जहां पूछा गया है, हमसे 0 डिग्री पूछा है एक दूसरे के ऊपर, और 6 पे कौन सा मिनट होता है 30 मिनट, इसको सॉल्व करना, आंसर यही आएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई दी, इन दोनों का योग मिला के जीरो होना चाहिए, बाकी किसी में हो ही नहीं रहा था, तो आंसर ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो मैंने आपको क्या बता दिया, अब 12 बटे 11 आज के बाद आप गुणा करोगे तो किस में करोगे, 12 बटे 11 में मिनट वाली सुई। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैम कैसे बता रही है, अगर मैं आपको बोलूं इसको हटाती हूँ, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि एक से दो के बीच कब सुइयां विपरीत होंगी, या दूसरी भाषा में बोल दूं 180 डिग्री के कोण पर होंगी, 180 डिग्री के कोण पर होंगी, कुछ मत करना, मेरी बात समझना, क्या करना, एक से दो का मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता, घंटे वाली सुई एक पर है तो मिनट वाली सुई विपरीत कब होगी, एक के सामने क्या होता है सात होता है, 12 बटे 11 में इसका गुणा कर देना, इसका 35 का, बस इसका मतलब जो भी घंटा हो रहा हो मिनट वाली सुई जहां भी पूछी है, विपरीत पूछी है ना, तो विपरीत कहां होगी सात पे, आप उसका गुणा कर देना। इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 38 सही 2 बटे 11, चेक कर लेना यही आएगा, और देखो इसका भी 40 होगा, इसका भी 40 होगा, 38 सही 2 बटे 35 का गुणा करोगे 38, ये 40 हो जाएगा, जीरो आएगा लास्ट में हमेशा, ये ट्रिक होती है इसको करने की। तो मेरी बात समझ में आ गई, 12 बटे 11 में किसका गुणा करोगे, जहां पूछा है वहां का गुणा कर दो जिस मिनट का। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं एक और एग्जांपल और दे दूंगी, ठीक है ना। 35 से गुना क्यों करेंगे मैम, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चलो जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार और समझा देती हूँ। 35 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दिया, 12 बटे 11 ये एक फॉर्मूले के रूप में याद रखो, 12 बटे 11 गुणा मिनट का, मिनट वाली सुई का गुणा, मिनट वाली सुई का गुणा करना है। अब एक बात बताओ, आपको एक से दो दे रखा है तो घंटा कौन सा हो रहा है एक का, तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई को कहां आना पड़ेगा, हमसे जो पूछा है वही तो लेंगे, तो एक के सामने सात होता है तभी ये एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो सात पे मिनट कौन सा होता है, क्योंकि मिनट वाली सुई का गुणा करना है, तो मिनट कौन सा होता है 35, बस वही गुणा करना है, ठीक है। तो मेरी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बता दिया। एक आध और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक आध एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। जैसे मैंने बोला
तीन से चार के बीच, तीन से चार के बीच 180 डिग्री का कोण कब होगा? तो बच्चों क्या करना है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। 12 बटे 11 में एक बात बताओ, अगर घंटा तीन हो रहा है तो 180 का मतलब होता है आमने सामने, तो तीन के सामने मिनट वाली को कहां आना होगा? 9 पे, और 9 पे कौन सा मिनट होता है? 45। बस गुणा कर देना और ऑप्शन देख लेना जिनका भी ये इसका आएगा 49 सही 1 बटे 11, टोटल मिला के 50 हो रहा होगा, यानी कि ऊपर नीचे मिला के जिसका भी जीरो हो रहा होगा वही वैल्यू आती है हमेशा, बात खत्म। ये बिना कॉपी पेन के हो जाएंगे वापसी, ठीक है? ये तो मैंने समझाया है आपको, ठीक। नेक्स्ट बताऊं, तीन टाइप हो गए, कोण वाला हो गया, मिरर वाला हो गया और ये वाला हो गया। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे देखो, एक और पूछा गया इस पे, आपको क्या बोला गया, 9 बजे के बाद यानी कि 9 और 10 के बीच में एक दीवार घड़ी घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में कौन सी समय होंगी? देखो ऑप्शन अगर देखूंगी मैं तो, ऑप्शन अगर देखूंगी तो 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11, ये हमारे उसने ऑप्शन थोड़े ठीक से नहीं लिखे हैं, 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11, 9:15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 16 सही 17 सही 1 बटे 17 और 1 18। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया बिना कुछ किए, क्योंकि इन दोनों का योग मैंने आपको क्या बताया, जीरो होना चाहिए लास्ट में, तो 16 और 4 20, बात खत्म। अब मैं आपको 12 बटे 11 में गुणा करके दिखाती हूँ, 12 बटे 11 में गुणा करिए, 9 से 10 के बीच, इसका मतलब नहीं है, 9 बज रहे हैं तो घंटे की सुई अगर 9 पे है तो मिनट की सुई को सामने आना पड़ेगा 3 पे, तो 3 पे कौन सा मिनट होता है? 15, कर दो गुणा, इसको गुणा करोगे तो 16 सही 4 बटे 11 आएगा, जो मैंने आपको बिना सॉल्व किए बता दिया था, क्योंकि किसी और ऑप्शन में हो ही नहीं रहा था जीरो, उन दोनों को मिला के जीरो करना है, बस बात इतनी खत्म। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज माई गारंटी कि आपको क्या है, ऑप्शन देखते ही हो रहा है जीरो करना है, इसमें 17 और 1 18 हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा, और राउंड फिगर तो आता ही नहीं है, इसका आंसर हमेशा बटे में आएगा, इन दोनों को काट दो, आंसर बचा सी, बात ऑप्शन से ही हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट टाइप पे चलूं, ठीक है? तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सी है, इसको देखो, एक होती है मंद और तेज वाली, इसका मैं एक तरीका बेहतरीन बता देती हूँ, एक लाइन में निकल आएगा आंसर। मेरी घड़ी 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे है और 8 बजे सही समय से 11 मिनट आगे थी, इसने सही समय कब दिखाया? जब भी कभी धीरे हो और तेज हो जाए और सही समय पूछे तो मेरी एक बात ध्यान रखना, मंद या तेज जितना भी हो उसे लिख देना, पहला मंद या तेज, बस। कैसे, मैं समझाती हूँ, अगर मेरी घड़ी 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से और शाम 8 बजे, तो टोटल घंटे कितने हुए? 8। 8 घंटे में कितनी, देखो मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी और 11 मिनट आगे हो गई, टोटल मिला के 16 मिनट आगे हो गई, जो पीछे थी वो भी कवर हो गई और 11 और, टोटल मिला के कुल मंद या तेज कितनी हुई? 16, और पहला क्या लिखा हुआ था? 5, बस काट दो इसे, काट दो इसे, 8 दूनी 16 और ये आ गया 2.5, इसका मतलब है 2.5 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा, 2.5 घंटे बाद, और 12 से 2.5 घंटे बाद 2.5 बजते हैं, आंसर आ गया ऑप्शन सी, आंसर आ गया ऑप्शन सी, बस इतनी सी चीज है। क्या करना है, मंद और तेज में इस फॉर्मूले को रट लो, देख लो, कुल घंटे, कुल मंद और तेज, कुल मंद तेज के लिए भी कुछ दिमाग मत चलाओ, इन दोनों को जोड़ देते हैं बस, तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, मंद है तेज है कुछ मत करना, बस इन दोनों को जोड़ देना और इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देना, इन दोनों को जोड़ के नीचे, और पहला वाला जो पहला पॉइंट दिया है मंद या तेज वो ऊपर लिख देना, सॉल्व कर लेना, बस बात खत्म, ठीक है? हो गया चौथा टाइप, फोर्थ टाइप मंद और तेज वाला हो गया। इतने इतने पॉइंट्स है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो विदाउट कॉपी पेन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और एक और सवाल होता है ये वाला, इस तरीके का, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो 6 बार बजने में कितना समय लेगी? अगर कोई घड़ी 12 बार बज रही है, 1 2 3 ऐसे करके मान लो 12 बार बज रही है, तो वो बीच में कितनी बार रुकी होगी? 11 बार। 12 में से कितनी बार रुकी होगी? 11 बार। और 11 बार रुकने का समय उसका 33 सेकंड है, इसका मतलब एक बार रुकने का समय 3 सेकंड। अब एक बात बताओ, 6 बार बजने में कितना समय लेगी? तो अगर वो 6 बार बज रही है तो रुकेगी कितनी बार? 5 बार। 5 बार रुकेगी ना, और एक बार रुकने का समय क्या है उसका? 3 सेकंड। तो 5 बार रुकने का समय क्या होगा? 15 सेकंड। 5 बार रुकने का समय क्या होगा? 15 सेकंड। भाई 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि 11 बार रुकी होगी बीच बीच में, तो एक बार रुकने का 3 सेकंड, तो टोटल मिला के 6 बार बजने के लिए 5 बार रुकना है, 5 से 15 सेकंड। ये हो गए आपके 5 टाइप,
और ये पांच टाइप मैं गारंटी ले रही हूं, इफ यू प्रैक्टिस आप बिना कॉपी पेन के कर दोगे इसको, दिस इज माय गारंटी। अभी से नहीं, 5-6 सालों से बच्चों को ऑफलाइन में इतनी प्रैक्टिस कराती हूँ कि वो विदाउट कॉपी पेन करते हैं सवाल। सो कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बन सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, आई होप कितना नंबर रहे, वीडियो का फॉर्म फिल करें, वीडियो का फॉर्म बिल्कुल फिल कर दो और नंबर नंबर बाद में देखी जाएगी, है ना, क्योंकि कोई किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आज के खूबसूरत से दिन में, हम चलते हैं कल दोबारा से एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, तो आज हमें जाना पड़ेगा। गुड नाइट, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, गरिमा मैम टेस्ट बुक, जो आप मेरे किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं, वहां से लिंक शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर कोचिंग UP SSC वीडियो के लिए आपको लगता है कि अभी भी टाइम है और आप प्रॉपरली तैयार करना चाहते हैं सुपर टीचर्स के साथ, तो उसका सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर।